हाय गाइस, वेलकम बैक। प्री मीटिंग वाला जो डिस्कशन हमारा चल रहा था वो उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इन दैट वी हैव स्टडीड वन सेक्शन 101, 101 रुपए का लिफाफा, यानी कि नोटिस वाला जो सेक्शन था हमने वो पूरा कंप्लीट किया, समझा कैसे नोटिस देते हैं, क्या होता है, किन किन को नोटिस देना है। टुडे प्री मीटिंग का ओनली वन सेक्शन इज रिमेनिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, विच इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ट टू द नोटिस। अब देखिए, मतलब ये नोटिस के साथ एक लगाने वाली चीज़ है जो कंपलसरी हो गई, क्योंकि अनेक्स्ड आ गया, अटैच नहीं है। अनेक्स मतलब अनेक्जर। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। नाम क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब एक्सप्लेन करने वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, अगर आप किसी को बुला रहे हैं कि सर मीटिंग है, मीटिंग के लिए आप आइए और आप एक रिजोल्यूशन हमको पास करवाना है आप लोग से, तो उसको पता तो होना चाहिए कि ये मीटिंग किसके लिए है। नोटिस में आपने तो सिर्फ नॉर्मली लिख दिया कि हमको ये रिजोल्यूशन पास करना है, लेकिन अगर मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए तो फिर वो कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉपरली 102 के अंदर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और वो लगा देते हैं आप किसके साथ में, आप नोटिस के साथ में लगा देते हैं। लेकिन कौन से चीज़ों के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा? क्या हर चीज़ के लिए लगाना पड़ेगा? तो बोलते नहीं। नॉर्मली हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर ट्रांजैक्टेड। बिजनेसेस मतलब ये आपका जो बिजनेस कंपनी कर रही है वो बिजनेस नहीं, जो रिजोल्यूशन पास करने वाले होते हैं उन टॉपिक्स को हम बिजनेस बोलते हैं। तो देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। हम यहाँ पे समझ लेंगे कि बिजनेस जैसे ऑर्डनरी बिजनेस होता है और एक स्पेशल बिजनेस होता है। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्डनरी बिजनेसेस जो सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में ही ट्रांजैक्ट किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, और किसी मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेसेस का नाम भी नहीं लिया जाता है। ओके तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस है जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस हो रहा है वो स्पेशल बिजनेस है, या कोई और मीटिंग में, इफ इट इज नॉट एन एनुअल जनरल मीटिंग, इट्स एन अनादर मीटिंग विच इज आइदर ईजीएम, मान लीजिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर कोई भी बिजनेस डिस्कस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस। मतलब एनी बिजनेस विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस। तो अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस आपको करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो क्यों देते हैं? उसके दो रीजंस हैं। सिंपल वे में बात करें हम तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इसलिए ताकि जो मेंबर्स हैं जिनको हम नोटिस भेज रहे हैं, या मेंबर्स को भेज रहे हैं, डायरेक्टर्स को, जो भी हैं, उनको दो चीज़ें पता चले। पहली बात तो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस क्या हो रहे हैं, हम किसके साथ बिजनेस करने वाले हैं, या हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस चीज़ के ऊपर रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाए, सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा रीज़न होता है कि कहीं कोई जिस कंपनी के साथ हम डील करने वाले हैं या जिस तरह का हम बिजनेस प्रपोज करने वाले हैं, वहाँ पे किसी हमारे किसी भी डायरेक्टर का या किसी भी प्रमोटर का या हमारे कोई की मैनेजरियल पर्सन ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उनका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर है तो वो चीज़ आपको उस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज क्योंकि क्या होता है, कई बार मेंबर्स को पता होना चाहिए कि आपके जो मेन पर्सन हैं कंपनी में, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है इस कंपनी में। कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझ के सारा ट्रांजेक्शन उसी कंपनी के साथ किया जा रहा है जो डायरेक्टर के बेटे की है या डायरेक्टर के भाई की है। मतलब द रिलेटिव्स ऑफ सच पर्सन्स इफ दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसके साथ हम बिजनेस करने वाले हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं बायस्ड भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कंसर्न हो सकता है। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेंगी। तो आप समझिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या हो गई, कि अगर आपको कोई भी नोटिस देना है, कोई भी स्पेशल बिजनेस का नोटिस देना है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। याद करिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो आपने प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें लिखी होती है कि कंपनी क्यों पैसा रेस कर रही है, क्यों पब्लिक से ऑफर ले रही है, और क्या वो पैसे का क्या यूज़ करेंगे। और फिर हमने एक सेक्शन में पढ़ा था कि कंपनी अगर हमारे पास कोई पैसा बचा हुआ रह जाता है और हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के लिए हमने पैसा किया था अब उसको हम चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस आपको चेंज करना है जिसके लिए आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया था, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में यू वांट टू चेंज द ऑब्जेक्ट, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा कि भाई हम ये क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्ट्स आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देने पड़ेंगे, तभी मेंबर आएंगे मीटिंग में, या तभी वो वोट देने के लिए रेडी होंगे, रिजोल्यूशन पास करने के लिए होंगे, एंड दिस इज अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट। चलिए, तो अब हम सेक्शन 102 को एक बार नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर द फोर ऑर्डिनरी बिजनेसेस जो कि ओनली एनुअल जनरल मीटिंग में ही होते हैं, उसके अलावा सारे बिजनेसेस क्या कहलाते हैं? स्पेशल बिजनेसेस। तो हम राइटिंग हियर
सेक्शन नंबर 102। तो 102 हमें बोलता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी, वो कहाँ होगा, अटैच होगा कि अनेक्स्ट होगा, ऑफ कोर्स अनेक्स्ट होगा, टू बी अनेक्स्ट टू नोटिस। तो नोटिस में जो अनेक्स होता है एक ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो बोलते हैं वेयर एनी स्पेशल बिजनेस अब स्पेशल बिजनेस क्या है वो हम मैंने आपको रफली बता दिया, फिर भी हम आगे डिटेल में समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल बिजनेस। तो बोले जब भी आपको स्पेशल बिजनेस करना है टू बी ट्रांजैक्टेड, और कहाँ करना है, ऑफ कोर्स मीटिंग के अंदर ही करना है, टू बी ट्रांजैक्टेड एट द कंपनीज जनरल मीटिंग, कंपनी की जनरल मीटिंग में कोई भी स्पेशल बिजनेस करना है, देन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये हो गया, मतलब ये रिक्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया कि कब जरूरत पड़ती है। तो जब भी कंपनी को कोई स्पेशल बिजनेस करना है किसी भी मीटिंग में और उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर, तो उसका जो नोटिस होगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, एक एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अनेक्स्ड टू द नोटिस विच मस्ट स्पेसिफाई। अब यहां पे क्या स्पेसिफाई करेगा वो भी बता दिया, स्पेसिफाई करेगा द नेचर कि हम क्या नेचर का बिजनेस करने वाले हैं, और उसके अलावा क्या क्या लोगों का इसमें कंसर्न या इंटरेस्ट है। मैंने बताया ना डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, की मैनेजरियल पर्सन या उनके रिलेटिव्स, अगर इन लोगों का कोई इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स आपको वहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना पड़ेगा द नेचर ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न किसका, ऑफ एवरी डायरेक्टर प्रमोटर की मैनेजरियल पर्सन ऑफिसर्स एंड देयर रिलेटिव्स। अगर उनके रिलेटिव्स का भी कोई कंसर्न है तो ऑफकोर्स यू हैव टू मैंशन दैट इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि भाई ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। उसके अलावा क्या होगा, इट शेल ऑल्सो इंक्लूड ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, जितनी भी जरूरी है कि आपको समझ में आए कि आप क्या करने वाले हो उस पर्टिकुलर मीटिंग में जाके, उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए या उस बिजनेस को डिस्कस करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालनी पड़ेंगी। Informations and facts that may enable the members to understand, उनको समझ आ जाए कि पढ़कर ही कि भाई बात क्या है, माजरा क्या है, किस बात के लिए मीटिंग रखी जा रही है, to understand the meeting, मीटिंग के बारे में समझ में आ जाए स्कोप, मीटिंग नहीं एक्चुअली द मीनिंग होगा, मीनिंग ऑफ द मीटिंग या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या बिजनेस कह सकते हैं, द मीनिंग स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस।
चलिए अब हम यहाँ पे हाथों हाथ समझ ही लेते हैं जो मैं आपको बोल रहा था, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस तो क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अगला पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप का होता है तो बोलते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड अनदर वन इज ऑफ कोर्स स्पेशल बिजनेस। तो देखिए हर एक एजीएम में चार तरह के ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस ओनली ऑन ओनली एजीएम में ही होते हैं। एजीएम में कभी भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता है, नोट करके रख लीजिए या फिर इसके साइड में लिख लीजिए भले ही, इन एजीएम ओनली, टू बी ट्रांजैक्टेड इन एजीएम ओनली, और कहीं नहीं होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं ये? पहली चीज तो बोलते हैं कंसिडरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कंसीडर करना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके मैनेजमेंट ने बनाया है उसको आप मीटिंग के अंदर रखेंगे अपने मेंबर्स के सामने और वो उसको देखेंगे कि हाँ ये बराबर है कि नहीं है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं, ये बनाए हैं तो साइन किया है कि नहीं किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा मेंबर्स के सामने। और दूसरा बोर्ड रिपोर्ट, उसको भी कंसीडर किया जाएगा, बोर्ड्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट को भी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी चीजें होंगी जो आपके पूरे साल में आपने बनाए हैं अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए हैं उसकी ऑडिट करते हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट आनी जरूरी है, बोर्ड की रिपोर्ट आनी जरूरी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों सबको हर साल, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में एजीएम होती है तो जब फाइनेंशियल ईयर के बाद में आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो देखा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, तो मेंबर्स को बताना जरूरी है। तो दिस इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। दूसरा ऑर्डिनरी बिजनेस है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो देखिए हर कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करे दैट इज नॉट नेसेसरी, बट इफ इट डू सो, अगर कंपनी ऐसा करती है तो दिस इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ये कभी भी स्पेशल बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस। थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं उसकी जगह कोई अगर नए डायरेक्टर का आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो दिस बिजनेस इज अगेन एन ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा चौथा बिजनेस ऐसा होता है जो हर साल होता ही होता है हमेशा, तो इसके लिए आपको बोला गया है फोर्थ बिजनेस इज अपॉइंटमेंट ऑफ, किसका अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेमुनरेशन। अपॉइंटमेंट भी करना और फिक्सिंग भी करना किसका? रेमुनरेशन का, ऑफ ऑडिटर्स। तो हर मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी होता है और उनका रेमुनरेशन भी फिक्स किया जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम लास्ट 10th चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिटर्स वाला, क्योंकि अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से एक बार जो ऑडिटर अपॉइंट होता है दैट कैन होल्ड ऑफिस फॉर मैक्सिमम 6 ईयर्स। तो वो कैसे हर साल उसका रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, दैट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस, वो सब हम समझेंगे। अभी आपको याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्या ध्यान रखना है कि बिजनेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, फोर बिजनेसेस आर ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस इन विच फर्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेकेंड इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, एंड फोर्थ इज अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ओके चलिए, तो स्पेशल बिजनेस का मतलब क्या हो गया? स्पेशल बिजनेस को मैं टू टाइप्स में डिवाइड कर देता हूं,
देखिए, हमने बोला एजीएम में चार ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे, यानी एजीएम के अंदर ही इन चार के अलावा कोई भी बिजनेस है तो वो स्पेशल बिजनेस हो गया। तो बोलेंगे ऑल बिजनेसेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस इन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। एंड एनी बिजनेस इन एवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। यानी कि अगर मुझे स्पेशल बिजनेस के लिए कोई भी नोटिस भेजना है, तो अगेन आई एम कनेक्टिंग फ्रॉम हेयर, अगर मुझे स्पेशल बिजनेस करवाना है जनरल मीटिंग के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नोटिस के साथ क्या लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई हैव टू अनेक्स्ट अ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसमें दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, अगर किसी डायरेक्टर या किसी प्रमोटर या किसी केएमपी या किसी भी ऑफिसर या उसके रिलेटिव्स का कोई भी इंटरेस्ट है, तो वो मेंशन करना, वो क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इतना जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स है जिस बिजनेस को आप डिस्कस करने वाले हैं, वो आप उतने एक्सटेंड तक लिखें ताकि उसका मीनिंग, उसका स्कोप और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो क्लियरली समझ में आ जाए। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के प्रोविजन हम पढ़ते हैं कि क्या बोलना चाहता है ये। आई थिंक ऊपर का मैं हटा ही सकता हूँ, आप ये चार्ट नोट कर लीजिए तब तक। देखिए, मान लीजिए, अभी हमने बोला ना कि आपको रिलेटिव्स वगैरह का इंटरेस्ट हो। मान लीजिए एक ये जो कंपनी है वो किसी और कंपनी के साथ कोई डीलिंग करने वाली है। हो सकता है देयर आर वी ऑल ऑल ट्रीट एंड यू नो डील विद सो मेनी कंपनीज फॉर योर परचेज ऑफ मटेरियल, सेलिंग, ये वो, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस के लिए हम एक दूसरी कंपनी के साथ डील करते हैं। मान लीजिए कंपनी किसी और कंपनी के साथ डील करने वाली है, और उस दूसरी कंपनी के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी के किसी भी बड़े पर्सन, यानी कोई भी जो कैटेगरीज हमने पढ़ी उसमें उसका इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है वो हम बताते हैं। तो बोलते हैं, इफ ट्रांजैक्शन विद अदर कंपनी एक सेकेंड अदर कंपनी इट्स नॉट विद कंपनी इफ ट्रांजैक्शन विद अदर कंपनी वेयर क्या होगा, किसका प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन, ऑफिसर एंड देयर रिलेटिव्स, हैव 2% और मोर इंटरेस्ट। या फिर इंटरेस्ट की जगह मैं बोल सकता हूं 2% और मोर शेयर होल्डिंग। मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने किसी और कंपनी के अंदर 2% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग की हुई है, यानी कि मान लीजिए इधर है एबीसी लिमिटेड, जिस कंपनी के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसका हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं या जिसकी हम मीटिंग करवा रहे हैं, एबीसी लिमिटेड है। यहाँ पे मान लीजिए एक पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी जो है हमारी ये काम करती है, मान लीजिए कपड़ा बनाने का, टेक्सटाइल का काम करती है। तो टेक्सटाइल के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो इस कंपनी से हम मंगा रहे हैं। रॉ मटेरियल दे रही है ये कंपनी, और इस कंपनी के अंदर 10% होल्डिंग किसकी है, इस कंपनी के एक डायरेक्टर मिस्टर आकाश करके कोई एक डायरेक्टर है, सपोज करिए मिस्टर आकाश की 10, जो इसके अंदर डायरेक्टर हैं उसकी होल्डिंग है 10% इस कंपनी के अंदर। नाउ इफ दिस एबीसी लिमिटेड डील्स विद पीक्यूआर लिमिटेड, देन ही दिस पर्टिकुलर कंपनी व्हेन इश्यूज एनी नोटिस टू द
शेयर होल्डर्स फॉर द मीटिंग कि भाई हम लोग ये रिजोल्यूशन कर रहे हैं कि हमें ये कंपनी के साथ डीलिंग स्टार्ट करनी है, ऐसा वैसा करना है, बिजनेस करना है, तो क्या होगा? ये पर्टिकुलर डायरेक्टर का कंसर्न 2% से ज़्यादा है, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में साफ साफ देना पड़ेगा कि यस आई दिस पर्सन पर्टिकुलरली हैविंग दैट इंटरेस्ट इन सच बिजनेस, जो हम करने वाले हैं उसमें इसका इंटरेस्ट है, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलते हैं इफ ट्रांजेक्शन विद अदर कंपनी वेयर प्रमोटर के एम पी ऑफिसर एंड देयर रिलेटिव हैव 2% ऑफ मोर इंटरेस्ट और शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी, द सेम शुड बी स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट में ये चीज स्टेट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी कि आपके पर्टिकुलर डायरेक्टर या किसी का भी 2% से ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, तो बोलते हैं इफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है, जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अगर आपने ऐसा रिजोल्यूशन पास करना है जो किसी डॉक्यूमेंट की बात करता है कि भाई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हम चेंज करने वाले हैं, या आपको अगर डॉक्यूमेंट देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट होगा जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं, पहले इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था, अब हम ये लिखने वाले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर नया डॉक्यूमेंट आ रहा है या डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में कोई चेंज आ रहा है, कुछ भी चीज़, अगर कोई बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मेंबर्स को कि अगर कोई भी मेंबर उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है, तो वो किस टाइम पे देख सकता है और कहाँ पर वो अवेलेबल होगा, वेदर इट इज़ अवेलेबल एट रजिस्टर्ड ऑफिस या अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो किस पर्टिकुलर लिंक पे है, आपको वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो इफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंस्पेक्शन हुआ है और उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है कि हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट को कभी भी किसी को भी इंस्पेक्ट करना है तो आपको वो बताना पड़ेगा कि किस जगह पे और किस टाइम पे कंपनी अवेलेबल कराएगी मेंबर्स को, तो मेंबर्स वहाँ से आकर आप चेक कर सकते हैं। तो विच इज़ टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग देन द टाइम एंड प्लेस, किस जगह पे और किस टाइम पे वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल ऑल्सो बी स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। ऑफकोर्स स्टेट करना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट के अंदर कि भाई किस जगह पे आप आके और किस टाइम पे आके आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या आ गया, दो बातें आ गई, अगर देखा जाए तो स्पेशल बिजनेस है, किसी का इंटरेस्ट है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके बारे में भी आपको देना पड़ेगा। इफ नो डिस्क्लोजर और इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर, यानी कि गड़बड़ वाली बात, देखिए ड्यूटी किसकी है जो नोटिस भेज रहा है, नोटिस कौन भेजता है, ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह भेजते हैं, तो डायरेक्टर्स को भेजना था नोटिस के साथ में लगाकर क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि भाई ये पर्टिकुलर जो चीज़ हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा इतना परसेंट इंटरेस्ट है, और वो उन्होंने जानबूझ के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं कि हमारा कोई भी डायरेक्टर का, किसी भी मैनेजर का या किसी भी पर्सन जो ऊपर लिखे हैं उनमें से किसी का भी इंटरेस्ट है। तो नॉन डिस्क्लोजर या इम्प्रॉपर, मतलब पूरा नहीं बताया, थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया, उससे क्लियर नहीं हुआ, तो नो डिस्क्लोजर और इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द स्टेटमेंट
बाय प्रमोटर डायरेक्टर के एम पी ऑफिसर एक्सेट्रा जो भी है हमारे, अगर ऐसा कुछ किया है जानबूझ के, ताकि वो देखे कि अगर क्या होता कि अगर मेंबर्स को पता होता कि ये डायरेक्टर का इंटरेस्ट है और इसके कारण से हमारे को महंगे भाव में कोई सामान मिल रहा है, अगर हम कोई दूसरी कंपनी हैं जहाँ पे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमें सस्ता मिल सकता है, अगर पहले से पता चल जाता तो शायद ऐसा रिजोल्यूशन कंपनी कभी पास ही नहीं होने देती। इसलिए इन लोगों ने जानबूझ के दिखाया ही नहीं कि हमारा कोई इंटरेस्ट है, बोला यही बेस्ट रेट अवेलेबल है इसमें से खरीद लेते हैं। तो ऐसा करके इन्होंने क्या खरीदा करा उस कंपनी के साथ डीलिंग फिक्स करवा दी, रिजोल्यूशन पास करा दिया। इससे फ़ायदा किसको हुआ? इन लोगों को फ़ायदा हुआ, कंपनी को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ करके, नॉन डिस्क्लोजर करके या इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर करके इन लोगों ने कोई फ़ायदा उठाया है, कोई प्रॉफिट कमाया है, तो बोलते हैं इफ इट रिजल्ट्स, अगर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करने से या इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर करने से इफ इट रिजल्ट्स इनटू एनी बेनिफिट टू देम और रिलेटिव्स ऑफ देम, उनको हो या उनके रिलेटिव को हो, तो बोलते हैं अगर ऐसा कुछ किया है तो यू हैव टू सेम प्रॉफिट हैज टू बी कंपेंसेटेड बाय हिम और देम। जिस एक ने किया है तो एक, ज्यादा लोगों के तो ज्यादा, उन लोगों को जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है उसको कंपनी को कंपेंसेट करना पड़ेगा, उतना सा वापस देना पड़ेगा, अदरवाइज उनके ऊपर अलग से पेनल्टी लग जाएगी, आपको ये तो कंपनी रिकवर करके ही रहेगी। यानी कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है और आपने एक्सप्लेन नहीं किया, कोई चीज़ हाइड करी जिसके कारण आपने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, तो यू हैव टू गिव दैट प्रॉफिट अगेन बैक टू द कंपनी अलॉन्ग विद द डैमेजेस इफ एनी। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसलिए कंपनी बोलती है 102 के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अनेक्स्ट टू द नोटिस गिवन टू द मेंबर्स फॉर द जनरल मीटिंग एंड दिस इज योर 102। इसके साथ एक प्रोविजन है जो ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इसमें आपके मॉड्यूल में दिया है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा बिकॉज अभी आपको ऑडिटर्स के बारे में, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब जो हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक बार समझ लेंगे कि ऑडिटर कौन होते हैं, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, कितने टाइम के लिए होता है, वो सब समझने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बेटर समझ में आएगी कि हमको कैसे उसके लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस होएगा तो क्या होगा, स्पेशल होगा तो क्या होगा। अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको देखा जाए कोई भी स्पेशल बिजनेस करना है या आपको कोई इंटरेस्ट कंसर्न है या कोई डॉक्यूमेंट के लिए रेफर कर रहे हो, तो आपको क्या देना है, 102 का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स करना है आपको नोटिस के साथ। प्लीज़ नोट इट डाउन।